संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं मंजूपाल आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। तो गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत जिन्होंने भी ज्वाइन किया, जो भी सुन रहे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। पूरी मैनेजमेंट कमेटी का, स्पेशली गौरव अंकल का, जिन्होंने मंदिर को इतने सुंदर ढंग से संभाला हुआ है। गुरु जी ने उन्हें हिम्मत दी हुई है, प्यारे प्यारे सत्संग करवा रहे हैं और मंदिर में इतना डिसिप्लिन है। ये सब किसी ना किसी के थ्रू तो गुरु जी ने कराना होता है, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के साथ। गुरु जी, मैं क्या स्टार्ट करती हूँ, गुरु जी ने खुद घर से बुलाया। रब खुद चुनते हैं कि किसको मुझे बुलाना है, उन्होंने मुझे खुद घर से बुलाया। ये बोलकर किस रोंदियां पई है सारियां, मेरी एक कलीग को बोला और उन्होंने लेके आ, मैं सबका कल्याण करना है। अब वो सबको सत्संग सुनाती थी, 70-80 का स्टाफ था, लेकिन गुरु जी ने अपने साथ 4 या 5 को जोड़ा। ये उस रब की मर्जी है, वो कैसे जोड़ते हैं। इतनी परेशानियों में थी लेकिन समझ नहीं आ रही थी, और लेकिन ये वो रब है जिन्होंने मुझ जैसे नाली में पड़े एक कीड़े को अपने सिर पे बिठाया, इतना प्यार दिया, इतना कल्याण किया। आज समझ आती है, तब ये समझ नहीं आई थी कि जो उनसे मांगना है एक्चुअली वो चीज तब उनसे नहीं मांगी गई, क्योंकि हम मटेरियल चीजों में पड़े थे, परेशानियों में थे, तो वही मांगते थे। पर अब समझ आ रहा है, इतना बड़ा रब आपके सामने और हमने उनको नहीं मांग पाए, लेकिन इतना जरूर क्लियर हो गया था कि ये भगवान है, गुरु नहीं है। आज भी बहुत संगत जैसे क्वेश्चन करती है जो नए जुड़ रहे हैं कि हम किसी और गुरु को मानते हैं, हम उन्हें कैसे छोड़े हैं, हमें गुरु जी से भी बहुत प्यार हो गया है। तो मुझे तो जो लगता है, मैं उन्हें जो बोलती हूँ कि वो गुरु हैं, ये भगवान हैं, ये सबसे ऊपर हैं। इनके साथ किसी गुरु का कोई कंपैरिजन नहीं है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मन में है वो समझते हैं, सुनते हैं, उनको मालूम है। हमें वेट करनी है प्रॉपर टाइम की। मेरे साथ इतनी परेशानियां थी, मैंने एक वर्ड संगत जी गुरु जी के साथ हमारी जर्नी जो एज फिजिकल फॉर्म में 6 ईयर्स तक रही, 2001 से 2007 तक, लेकिन एक वर्ड संगत जी मैं गुरु जी से नहीं बोल पाई कभी भी। गुरु जी अगर ने कुछ पूछा तो सिर ही हिलता था, मुंह से नहीं बोला जाता था। इतनी बड़ी पावर के सामने बोलना कोई आसान काम नहीं होता, नहीं बोल पाती थी। इतनी उनमें से हीट निकलती थी, मन जरूर करता था कि उनके पास भी चली जाती थी, चरणों तक घुस भी जाती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। बोलने के लिए बहुत हिम्मत छुटानी होती है। तो गुरु जी ने ऐसे ही मुझे, मैंने माथा टेका तो मुझे मास्टर नहीं बोलते थे गुरु जी, कभी पाल आंटी भी बोल देते थे। तो इस पे आते हुए पहले अभी मैं रिसेंट जो मेरे साथ हुआ मैं शेयर करती हूँ। मंजू आंटी है मेरा नाम, ऐसा गुरु जी ने ना कभी पूछा ना मुझे कॉल किया, उन्होंने हमेशा मुझे पाल आंटी बोला या मास्टर ने। चल उत्ते ऊपर भेजते थे, वो बाद में समझ आई कि गुरु जी हमारी परेशानियों को भेजते थे। तो अभी कुछ टाइम से कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं गुरुजी से बहुत क्वेश्चन कर रही थी कि गुरुजी क्या आप मुझे भूल गए हो, मेरा नाम आपको याद है, क्या आप मुझे प्यार करते हो, नहीं करते, क्या करते हो, ये क्वेश्चंस। क्योंकि हम इतने ह्यूमन बीइंग सेल्फिश हैं कि हमें समझ नहीं आती। तो दिवाली वाले दिन गौरव अंकल ने ही कॉल्ड मी मंजू आंटी, जबकि मंजू मेरा नाम आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है, अभी थोड़ा सा सत्संग करने के बाद पता चला। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनके फॉर्म में गुरु जी उनके अंदर बैठ के बोल रहे हैं। तो मेरा जवाब आ गया और मैं इतना रोई आकर कि गुरु जी आप इतना प्यार करते हो लेकिन हमें समझ नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी भी फॉर्म में हमें जवाब दे देते हैं,
तो इस तरह गुरु जी पाल आंटी बोलते थे और हर क्वेश्चन का मुझे जवाब देते थे। जैसे ही मैंने माथा टेका तो मुझे कहते हैं, मेरे अंकल को बोला था गुरु जी ने, किंतु परंतु है मास्टर ने, किंतु परंतु है। तो गुरु जी ने पूछा कि मास्टर ने की पढ़ा दी है। अब मैं इंग्लिश भी नहीं बोल पाई, जैसे मेरे मुंह में हलक में रह गया, पर मैंने जैसे इंग्लिश ऐसे बोला तो गुरु जी हंसने लगे। उन्होंने मुझसे एक पोएम पूछी, यह किन्ने लिखी, कोई जवाब नहीं दे पाई, गर्दन हिला दी। फिर उन्होंने दूसरी पूछ ली, तब भी मैंने वही सेम जवाब, मुझे आज तक भी याद नहीं है गुरु जी ने क्या पूछा था। तो गुरु जी बहुत हंस के हंसे, सारी संगत भी हंसने लगी, क्योंकि गुरु जी के समय सारा कुछ, जब गुरु जी बैठे होते थे सब कुछ सामने होता था। तो कहने फिर तू की पढ़ानी है, गाइडें जो पढ़ानी है। अब उस टाइम तो मुझे बहुत एम्बेरसिंग लगा, गुरु जी ने क्या बोल दिया, सबके सामने, उनके आसपास वीआईपीज होते थे तो सब हंसने लगे, मेरी तो गर्दन नीचे, मुझे लगे यहाँ से भाग जाऊं। बट आज समझ आती है कि रब का कहना कितना उसमें वैल्यू होती है। और वो उसी दिन समझा दिया कि ही ब्लेस्ड माई जॉब, कि मुझे लगता था कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी है और सुबह क्या भागती रहती हूँ मैं, या मैं भागती हूँ या सफाई वाले भागते हैं। तो गुरुजी ने फिर मुझे आज्ञा के टाइम कहा भी, नौकरी छड़न की गल नहीं करी थी हुंदी, और कहा 2002 की बात, और कहा मैंने 18 तक, फिर 1 ईयर एक्सटेंशन भी, और इनफैक्ट कहा जाए तो कोविड से पहले तक मैंने वो जॉब की उस, और उसके बाद कभी ऐसा गंदा थॉट भी नहीं आया, और मुझे ऊपर भेज दिया था तब भी के चल उतर। तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है, मैं वो कहना चाह रही थी कि उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है कि ये जॉब छोड़ने का सोच रही और कुछ ऐसा गलत कर ना दे, तो उन्होंने पहले से ही मुझे ब्लेस कर दिया। तो ये कर कौन सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर कर सकता है, एक परमात्मा कर सकता है, जो वो हमारे गुरु जी हैं। उनको क्या बताना है कि हमने क्या किया, हम क्या सोच रहे हैं। सेम थिंग जब लंबे सत्संग है मेरे, मेरी डॉटर को गुरु जी ने मैरिज करा के यूएस भेजा, सब गुरु जी ने ही किया, और हमने तो फोटो दिखाई थी, गुरु जी ने कहा कर दे। तो उसके जब जाने के बाद मेरे हस्बैंड का, और उन्होंने क्लियर किया कि इसकी लाइफ को रिस्क है, 2007 में उनकी लाइफ खत्म की, ये गुरु जी ने खुद बताई और कहा एनु कुछ नहीं हो देंगा जो अपनी जान ना देनी पे। और उसके लिए उनको यूएस भेजा, क्योंकि और संगत से भी सुना था, और हमारे साथ तो ये हुआ है कि गुरुजी जगह बदल देते थे। तो 5 में जैसे डॉटर की मैरिज हुई, 6 में वो गई, अप्रैल में गई, और जाने के बाद गुरुजी ने मेरे अंकल को कहना शुरू किया कि चल अमेरिका जा, जा कुड़े नो मिला। अब हमारा फाइनेंस ही नहीं था, हमने सब कुछ पहले घर बदल लिया था, गुरुजी ने चेंज कराया, उन्हीं की कृपा से घर बदला, फिर गाड़ी चेंज हुई, फिर बेटी की मैरिज हुई, फिर बेटी यूएस गई, तो हमारा फाइनेंस बिल्कुल जीरो था, 2500-3000 रुपए पड़े हुए थे। और गुरुजी कहते हैं अमेरिका जा, अब मुझे लगे गुरुजी तो कह रहे हैं जैसे दिल्ली के यहाँ जनकपुरी तक जाने, करें कैसे। पर रब की आज्ञा थी, हमने फॉर्म भर दिया और डेट आ गई। अब मेरी डॉटर कहने लगी कि मतलब आप, उसको पता ही था कि कोई बैंक बैलेंस नहीं है तो वीजा नहीं मिलेगा, आप डेट को चेंज करो, उस तब तक मैं भी सेटल हो जाऊंगी ढंग से और सारे सॉलिड पेपर बना दूंगी जिसमें ये क्लियर होगा कि मैं सब कुछ बियर कर रही हूँ फाइनेंस का। तो मैंने बोला ऐसा तुम कर नहीं सकते, क्योंकि हम गुरुजी से पूछे भी ना कैसे डेट चेंज करूंगी। और उससे पहले वीक में गुरुजी ने कहा तू ना बहुत पूछता है, ना पूछना ही बिल्कुल, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत जाते थे गुरुजी के पास हर चीज को पूछने के लिए, छोटी से छोटी बात वो पूछ के आते थे और गुरुजी सब चीज का जवाब देते थे। और अब ऐसी आज्ञा हो गई तो हम पूछ भी नहीं सकते, और मैं बहुत कंफ्यूजन में।
मैंने माथा टेका और गुरु जी को प्रेयर की कि गुरु जी आपसे पूछ नहीं सकते, लेकिन जैसे वो बोल रही है आज जाकर मैं एप्लीकेशन डिलीट कर दूंगी और नई डेट लूंगी, क्योंकि अब क्या करें, आप तो मना कर रहे हो कि पूछना नहीं है और वो ऐसा बोल रही है, जैसा आपको ठीक लगे आप खुद गाइड कर देना। तो जैसे ही मेरे अंकल ने माथा टेका तो गुरु जी कहते हैं फिर चले अपने आप, उन्होंने बात की और जब उन्होंने बात की तो इनको हिम्मत आ गई, कहते हैं गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, उनको सारी बात क्लियर की कि डेट चेंज करने के लिए बोल रही है। तो कहते हैं नहीं करना, शक पै जाता है। ये क्लियर वर्ड्स से गुरु जी के, देखो अंतर्यामी की बात बता रही हूँ कि किस तरह गुरु जी को मन की बात पता है कि सारा काम खराब करेंगे। गुरु जी ने खुद बात कर ली और कहा नहीं, हमने नहीं की, जब रब ने कह दिया तो बात ही खत्म। ये चीज तो डे वन से समझ आ गई थी कि गुरु जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है और वो हमने माननी ही माननी है। और गुरु जी की ग्रेस से सब कुछ हुआ, 2500-3000 के बैंक बैलेंस में भी 10 ईयर्स का वीजा मिला। और वो गुरु जी ने मुझे रात को ड्रीम में ही दिखा दिया था कि 10 स्टैम्प इनके पासपोर्ट पे लगी हुई है। तो कर तो वो रहे थे, किसी ने क्या देना था, फाइनेंस का भी अरेंज कराया और गुरु जी ने इनको US भेज दिया न्यू लाइफ देकर। और न्यू लाइफ किसने हिम्मत है देने की, कोई गुरु नहीं दे सकता, एक रब दे सकता है। और क्लियरली उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होने देंगे चाहे अपनी जान ना देनी पड़े। 16 मार्च 2007 को मेरे अंकल को US भेजा। उनको बिल्कुल किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में लास्ट दर्शन होंगे, जून में आना था। और सारा जैसे लगा कि एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, फिर अंकल आए, उस पहले ही आए, लगता था गए ही क्यों थे, गुरु जी ने ऐसा करना था। आज भी मैं कई बार बैठती हूँ तो कहती हूँ गुरु जी आपने धोखा तो किया है हमारे साथ, ये तो पक्की बात है, क्योंकि हमें ये तो कभी होप भी नहीं थी कि ऐसा होगा। लगता हमारी तो बहुत सारी जनरेशंस आती रहेंगी जाती रहेंगी, रब ने तो वहीं रहना है। लेकिन कुछ समझाया भी कि निराकार रूप है, वो कल्याण ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब जिस फॉर्म में उनको देखा हो तो हमें तो वही फॉर्म उनकी चाहिए। मेरी तो एटलीस्ट कुछ लोगों को तसल्ली हो गई हो वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं होती। इसी वजह से मैं अंपायर स्टेट में नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे वहां लगता है कि इस जगह पे गुरु जी यहाँ ऐसे ऐसे सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं कि सारा टाइम उन्होंने दर्शन वहीं पे दिए। लेकिन बड़े मंदिर में क्योंकि हमें आदत थी ऐसे भी आने की, तो इतना वो नहीं लगा बड़े मंदिर में एडजस्ट होने में। तो पूरी जर्नी गुरु जी के साथ मेरी तो एटलीस्ट, मेरे जैसे अंकल को न्यू लाइफ दी, लाइफ हर किसी को मेरे घर में, हमारे घर में गुरु जी ने दी, मेरे बेटे को दी। बेटा थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल भी है, दाढ़ी लेके निकला, और उससे पहले एक नाइट, अभी ये तो 4-5 साल पहले की ही बात है, थोड़े और पहले की होगी, गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद मुझे ड्रीम में दिखाया कि इसकी डेथ हो गई है, बिल्कुल क्लियर दिखाया। और सब कुछ जो ये चीजें होती है वो मैं परफॉर्म कर रही हूँ। सुबह उठी तो मुझे स्वेटिंग हो रही थी कि गुरु जी क्या दिखाया, बट अब इतना डर इसलिए नहीं लगता कि रब साथ में है तो हमें डरने की क्या बात है। उसका थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ट्रेलर दिखाया, इवनिंग में ये गाड़ी लेके गया, रैश तो ये चलाता है, गलती इसी की ही थी, लोकल हमारे शालीमार में ही इसने गाड़ी को हिट कर दिया। हमारी गाड़ी ज्यादा लॉस में गई, लेकिन वहां पे किसी को, वो 4-5 लड़के थे उस गाड़ी में, उनकी गाड़ी भी डैमेज नहीं हुई और गुरुजी की ग्रेस से किसी को चोट भी नहीं लगी। बट वही है, वो बाहर आ गए, उनको गुस्सा आया, और इस
ये अकेला था, इसको पकड़कर इसका सिर ग्रिल में मारने वाले थे, जो डिवाइडर में ग्रिल होती है। और लगता उससे पहले ये सरदार जी गुरु जी के फॉर्म में कैसे आए, जबकि ये उनके टू व्हीलर को भी हिट करने वाला था क्योंकि बहुत रैश जा रहा था। उन्होंने इसे बचाया, किस फॉर्म में आके वो खड़े हो जाते हैं, न्यू लाइफ देके जाते हैं, ये हमें बाद में समझ आती है। पर मुझे तो जैसे ही वहां से फोन आया, क्लियर हो गया कि जो गुरुजी ने दिखाया, थोड़ा सा ट्रेलर देखना पड़ेगा, थोड़े से पैसे वैसे लगे, उस चीज को खत्म किया। लेकिन न्यू लाइफ देना ये कौन दे सकता है? अगर वो सरदार जी नहीं आते तो जैसे सिर लगता, मुझे नहीं मालूम क्या होता, आगे का टाइम कैसा होता। मैं बहुत क्लियरली इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि मुझे सामने गुरु जी के बैठी हूँ, उनको मालूम है, कोई डर इसलिए नहीं है। उनका जब हाथ हमारे सिर पे है तो हमें डरने की जरूरत क्या है। सेम मुझे दो बार गुरु जी ने लाइफ दी। गुरु जी चोले में ही थे तो गुरु जी बोला करते थे कि मंडे को बड़े मंदिर जाया करो। तो मैं बड़े मंदिर जाती थी, मतलब रेगुलर हो गई थी बीच में, लेकिन कभी नहीं भी जाती थी। तो जिन आंटी के साथ जाती थी वो मुझे शालीमार ही छोड़ देती थी। उस दिन उनके घर में कोई गेस्ट आने वाले थे तो उन्होंने मुझे थोड़ी दूर पे छोड़ा और मैंने वहां से ऑटो कर लिया मैं। और वो कहती भी रही कि कोई बात नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, वहां पे हो जाएगा मैनेज। लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने ऑटो कर लिया। तो आजादपुर में जिन्होंने देखा है वहां पे फ्रूट वाले बैठे हैं कॉर्नर पे। तो जैसे ही वो ऑटो मुड़ा, वो इम्बैलेंस हुआ और उलट गया। मैं नीचे, ऑटो वाला ऑटो ऊपर, और जो ड्राइव कर रहा था ऑटो ड्राइवर, उसको फ्रैक्चर हो गए। और मैं जैसे ही ऑटो हटाया, वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, उनको लगा कि ये तो गई। लेकिन मैं ऐसे खड़ी हो गई तो वो मेरे मुंह को देखने लगे, कहते आप चली जाओ यहाँ से। सबको लग रहा था कि ठीक ठाक है तो यहाँ से जाए, कोई सीन ना क्रिएट हो जाए। तो मैं भी कुछ ऐसे पैनिक नहीं हुई, और जैसे ही गिरी मेरे कान में आवाज आई, कुछ नहीं होया तनु। तो मैंने उन्हें बोला मैं जा नहीं सकती, आप ऑटो बुला दो क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई है। तो वहां कुछ लोग खड़े थे, हार्डली 10 कदम पे मोची बैठा हुआ था, उन्होंने मेरी चप्पल जुड़वा दी। और संगत जी कैन यू बिलीव, मुझे ऑटो पे लग रहा था कि एक डर लगने लगा, तो मैं बस पे बैठ के, वहां से 5 मिनट का रास्ता था, मैं घर आ गई और किसी को कुछ नहीं बताया, एक खरोच भी नहीं मुझे आई। और फिर जब गुरुजी के पास गए तो रास्ते में मैंने अपने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो अंकल ने जाके थैंक यू बोला गुरुजी को। तो गुरुजी कहने की हो सकता है नू, मैं बैठा नहीं। तो गुरु क्लियर उन्होंने किया कि उन्होंने बचाया, अच्छा खासा उसके हाथों पैरों पे लगा, फ्रैक्चर हुआ जो ऑटो ड्राइवर था, लेकिन मेरे को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर खड़ा करते हैं। तो ये लाइफ कौन दे सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी दे सकते हैं। मन की हर बात को वो जानते हैं, तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। से मेरे जो मन की बात जानते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है गुरु जी शायद उसी पे ज्यादा शेयर कराना चाह रहे हैं। मेरी डॉटर को लगता था, जैसे क्लियर भी किया था गुरु जी ने, कि अपने चरण दबवाते थे हाथ, या कई बार सिर भी दबवाते थे। तो वो तब होता था जब उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, लाइफ थ्रेटनिंग होती थी, तो गुरु जी अपने पे ट्रांसफर करते थे। बट हमें नहीं मालूम होता, मेरी डॉटर की मैरिज नहीं हुई थी तब, तो उसे लगता था कि मैं भी ना गुरु जी के चरण को टच करूं, मैं उनकी बॉडी को फील करूं कि कितने सॉफ्ट, कितने कोरे कोरे हैं। देख के ही गुरु जी लगते थे कोई किंग बैठे हैं, रब बैठा है, तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। उसने मुझे बताया उसके मन में ये भाव आते थे, तो गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, लड्डू प्रसाद दिया, और
गुरु जी ने वो प्रसाद आधा उसके हाथ में आधा अपने चरणों पे गिरा दिया। अब संगत जी, गुरु जी के हाथ से कभी प्रसाद गिर सकता है? इम्पॉसिबल। उन्होंने जानबूझ के गिराया और गिराते ही उसे बोलते हैं सॉरी। तो कहती मैं रोने लगी और बोला गुरु जी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो मेरे को। और उसे ना कुछ नहीं कहा, वो एक साइड पे बैठ गई और आधे घंटे तक वो एक एक दाना गुरु जी के चरणों से उठाती रही और उनके चरणों को फील करती रही जो वो चाहती थी। तो किस तरह से गुरु जी ने करवाया, क्योंकि वो अपनी बॉडी को प्रेस करवा कर या वो चीज नहीं करवाना चाहते थे, उसकी नीड उसे नहीं थी, तो गुरु जी ने उसके मन की इच्छा को पूरा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज, जैसे हम वापिस आते थे तो टॉपिक गुरु जी का ही होता था, आज गुरु जी ने उसे ये बोला, हमें ये बोला, तो एक घंटे का जो हमारी जर्नी है वापसी की, सिर्फ एक्साइटमेंट में और गुरु जी की बातें। लेकिन उसने आज तक वो शेयर ही नहीं की। उसकी मैरिज भी हो गई अभी कोविड पीरियड में, जब उसने सत्संग शेयर किया तब इस चीज को शेयर किया। देखो उसने अपने मन में कैसे रखा, और कहते नहीं मुझे लग रहा था मेरी अच्छी फीलिंग है, मैं अपने मन में रखूं, गुरु जी की ब्लेसिंग है, उन्होंने मुझे कैसे ब्लेसिंग दी। तो गुरु जी किस तरह से अपने हर बच्चे की, उनके तो हम बच्चे हैं, कैसे कैसे वो हमारा ध्यान रखते हैं। और जब मेरी डॉटर को गुरु जी ने भेजा था, हमने फोटो दिखाई थी और लड़का यूएस का, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद गुरु जी को नहीं मालूम, कहा गुरु जी बाहर रहना है, कहने क्या ना कर दे, अब मैरिज कर दी, जब गुरु जी ने कहा तो कोई टेंशन ही नहीं। और मैरिज के बाद एक साल उसने वेट की, और जब वो गई, उसकी फर्स्ट जर्नी थी बाय एयर भी और वैसे भी अकेले भी। तो इधर यहाँ पर हमें एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने कहा बहुत चंगी कुड़ी है, मैं उन्हें आप छड़ के आया, ये गुरुजी ने क्लियर हमें बोला था। और डॉटर ने वहां से बोला कि उसके साथ वाली सीट पे कोई भी नहीं था, और मेरे को फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई साथ साथ चल रहा है, और गुरुजी ने कह दिया मैं आप छड़ के आया। ये कौन ध्यान रख सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी रख सकते हैं। उसको वहां भेजने के बाद गुरुजी ने सेटल किया, वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी अकेले, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की वो लड़की रही है, जैसे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स बेशक बनाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि घूम रही है और फ्रेंड्स में घूम इस तरह मस्ती कर रही है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी वो। वहां पर गुरुजी ने उसे सब कुछ सिखाया, और इतने एडवांस कंट्री में अकेले उसे भेज दिया। वहां पर उसको रिक्रूटर की ट्रेनिंग करवाई, गुरुजी ने कराई, उसमें उसे पैसे मिले, स्कॉलरशिप मिली पर आर के हिसाब से $10 या $12 पर आर मिलते थे, और ट्रेनिंग भी देते थे। गुरुजी ने बोला इसे बहुत अच्छी नौकरी दूंगा मैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वो ट्रेनिंग की और इसे बहुत अच्छी जॉब मिली, एप्पल में मिली। उसके बाद मेरे कजन का बेटा कहता है दीदी मुझे इंस्टीट्यूट वो बता दो, क्योंकि जितना टाइम हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वी आर अर्निंग समथिंग, तो वो ज्यादा बेटर है। मैं उसे एड्रेस दे दिया, और हार्डली ये 4-5 months के बाद की बात है, तो कहते हैं कोई स्कॉलरशिप नहीं, इसके लिए $10,000 आपको फीस देनी पड़ेगी। तो किसने किया, ये गुरुजी ने किया, अच्छे से उसे सेटल कराया, अच्छी जॉब दी। 4-5 months में गुरुजी ने ये सब कुछ कर दिया। यहाँ पे ड्राइविंग करती थी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ था, उसी ड्राइविंग पे वहां उसे परमिशन मिल गई, लेकिन लेना था लाइसेंस तो लेना ही था, कौन से कर्म काटने थे ये वो जाने। 2 बार रिटर्न क्लियर हो रहा था, 2 times उसका, जब देने जाती थी ड्राइविंग के लिए ट्रायल तो फेल हो रही थी, 3rd time लास्ट था, उसके बाद उसे रिटर्न भी करना था। बहुत कंफ्यूज, बहुत परेशान,
अब वहां ड्राइविंग कर भी रही है, परमिशन भी मिली हुई है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। और रीजन हमें पता चला, एक पॉइंट पे ओवर कॉन्फिडेंट थी, वहां पे गलती कर देती थी। और थर्ड टाइम जब वो गई, थोड़ी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और गुरुजी को कह रही, गुरुजी देख लो अब तो निकाल देना, नहीं तो बड़ा लंबा सा काम हो जाएगा और फिर मेरे को छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, जॉब भी शुरू हो गई थी। तो एक अंकल आए, इंडियन अंकल, तो इसको देख के कहते हैं, लाइसेंस की दिक्कत हो रही है? कहा हाँ जी अंकल। इसने बोला, आप इंडियन हो ना? कहते हाँ। मुझे और देखो, उसको अन अंकल को क्या मालूम कि ये इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। कहते मुझे मालूम है तुम कहाँ पे गलती करती हो, चलो मैं तुम्हारी गलती फिक्स कराता हूँ, गाड़ी लो और मैं तुम्हें सिखाता हूँ और $100 लूंगा मैं उस चीज के। पहले तो उसे लगा $100 बहुत ज्यादा है एक गलती फिक्स कराने के, तो कहा कोई बात नहीं, आप 100 लो, चलो मेरे को बताओ, ठीक है अपनी गाड़ी लेके आओ और जब तक नंबर आता है बाकियों का आप चलो। इसको ले गए उस पॉइंट पे, ले गए जहां से ये फेल होती थी, वहीं पे ये चाहते हुए भी जानते हुए भी ये गलती कर देती थी। उन्होंने बताया यहाँ पे तुम गलती करते हो और इसे नहीं करना। इसे लेके आ गए और वो वेट करते रहे, और जब इसका ट्रायल हुआ, इसे लाइसेंस मिल गया, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम थी और वो चीज उन्होंने ऑलरेडी ठीक करा दी थी। बैठे हुए थे वो अंकल और इस बहुत खुश हुए, कहते देख बेटा मिल गया ना। कहा हाँ जी अंकल, आप रुको और मैं गाड़ी से ना आपको $100 का चेक ला के देती हूँ। कहा ठीक है ले आओ। अब वो बैठे, ये गाड़ी में चेक लेने गई, उसके बाद ना वो अंकल मिले, ना उनका फोन मिला, ना उनकी ईमेल गई, सब बाउंस बैक हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। आज की डेट तक वो अंकल उसे नहीं मिले, इसको लाइसेंस मिल गया। और मन में कहीं होता है कि उन्हें बस वही थैंक यू बोला था और वो मुझे दिखाई नहीं दिए, किस फॉर्म में आकर वो कैसे चले गए, ये सब गुरुजी कराते हैं। मन के भाव को वो किस तरह जानते हैं ये उनको मालूम है। पूरी उसकी भी लाइफ को गुरुजी ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया। हम जाते किसी है मेटीरियल चीजों के लिए, मेन जो मेरा जाने का पर्पस था, मुझे अपना घर चेंज करना था, छोटा था शालीमार बाग में, और मुझे लग रहा था अच्छा सा फ्लैट मिले जो एक ही लेवल पे हो, जो बच्चों की शादियां करनी है, पर नहीं हो रहा था। 5-6 ईयर से मैं परेशान थी, लेकिन गुरुजी ने वो काम जाने के 3 मंथ्स में किया। और मैंने तो जैसे माथा टेका था और गुरुजी को बोला, गुरुजी आप जानते हो बहुत सेल्फिश हूं मैं, किसकी आई हूं, मुझे ये बोला गया कि आपको कुछ नहीं बोलना, लेकिन मैं प्रेयर करके मन से आपको बता रही हूं कि मेरा आने का पर्पस ये है। उसी रात को गुरुजी ने ड्रीम में मुझे यही हाउस जिसमें मैं बैठी हूं दिखाया, और यही मैं लेना चाहती थी, लेकिन मेरी पॉकेट से मेरा अलाउ नहीं करता था मेरा बजट, लेकिन गुरुजी ने वो भी अरेंज कराया हर तरह से। डिटेल में ना जाते हुए यही कहूंगी, क्योंकि सत्संग लंबा हो जाता है, हर जो हर्डल्स को हटाते हुए, फाइनेंस की भी जो हर्डल्स आई सबको हटाते हुए गुरुजी ने ये हमें दिया। वो नहीं बिक रहा था वो भी गुरुजी ने उसका भी कुछ ऐसा किया, इस टाइम तक हमें सारी पेमेंट मिली और गुरुजी ने घर ब्लेस कर दिया। और हमने जैसे ही कीस दी गुरुजी के हाथ में, मेरे हस्बैंड रहते थे, मैं तो बिल्कुल ही जैसे बताया नहीं जा पाती थी, तो गुरुजी बहुत हंसे, कहते ही तो बहुत छोटी चीज है, मैंने तो तेरे को ऊपर से नीचे तक ब्लेस किया। और एक मैरिज का कार्ड इनके हाथ में दिया, कहते ले अटेंड कर, ए तेरी ब्लेसिंग थे तुम मौज ही मौज है। वो कमांडर शर्मा अंकल के बेटी की शादी थी और हमारे घर से वो 52 किलोमीटर था पूरा जलवायु टावर। और हमारी फैमिली में मेरे अंकल कभी भी घर से रात को बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते थे, कुछ साइकोलॉजिकल फोबिया या व्हाटएवर इट वाज मुझे नहीं मालूम, आफ्टर 10 वो नहीं जाते थे।
और वो भी ड्राइवर के साथ, खुद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गुरु जी के ब्लेसिंग से मारुति 800 होती थी हमारे पास, हम खुद ड्राइव करके वहां पे गए। और रास्ते में कोई उस टाइम ना मोबाइल पे जीपीएस कुछ नहीं होता था, कोई रास्ता नहीं पूछना पड़ा और हम उनके घर पहुंच गए। उनकी अभी तैयारी चल रही थी, हम पहले ही पहुंच गए क्योंकि एक्साइटमेंट थी कि गुरु जी ने दिया। जो गुरु जी के हाथ का कार्ड भी होता था वो अपने आप में लगता था कि पता नहीं हमें क्या करोड़ों की चीज गुरु जी ने दी है, उन्होंने अपने हाथ से दिया है। वो सारे कार्ड जो भी गुरु जी ने दिए मैंने संभाल के रखे हुए हैं। फिर एक कार्ड एम्पायर स्टेट के सामने फिस्टा गार्डन में कुकी आंटी की बेटी की शादी थी, उसका कार्ड गुरु जी ने अपने हाथ से दिया। उस शादी में गुरु जी भी आए, हम गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। तो गुरु जी कहते ऐसे की करते पे जाओ, मौज करो, खाओ पियो। इतना मजा आया संगत जी के खुद गुरु जी मिल गए वहां पे, एक दिन और बोनस मिल गया। बट वहां पे मुझे ना क्वेश्चन आया, गुरु जी पूरे पंडाल में घूमे, बहुत अच्छी मैरिज थी, नॉनवेज के अलग स्टॉल्स थे और एक एक स्टॉल पर गुरु जी गए। तो तब गुरु जी के पास जाते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि ये क्या गुरु जी, इन्होंने क्या किया, गुरु जी आए हैं और सारे नॉनवेज भी लगा हुआ है, गुरु जी घूम के भी आए हैं, इनको नहीं बनाना चाहिए था। बात वही किंतु परंतु वाली आ गई मेरे दिमाग में, काफी सोचती रही। फाइनली मैंने उन आंटी से ही पूछ लिया कि आंटी गुरु जी आए थे और ये सब ऐसा क्यों था। तो आंटी ने बोला कि लड़के वाले चाहते थे तो हमने गुरु जी से आज्ञा ले ली थी। तो हमारे दिमाग में किंतु परंतु चलता रहता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उस रब को पता है। तो गुरु जी ने भेज के और भी बहुत सारी शादियों के कार्ड दिए जिसमें गुरु जी खुद आए, कुछ हमारा भी कल्याण होगा। कर्नल जोशी अंकल के बेटे की रिसेप्शन थी दिल्ली कैंट में, और उस दिन संगत जी आप बिलीव करें कि इतनी फॉग थी कि एक इंच पे दिखाई नहीं दे रहा था। और मेरा बेटा नहीं गया था, मेरी डॉटर गई थी। वापसी में गाड़ी चलाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था एक लड़की के लिए, वो भी 800 जिसमें कोई फॉग लाइट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन गुरु जी ने वहां से घर तक इतना सेफली पहुंचाया, पता नहीं कहां से गाड़ी आगे आ गई और उसको फॉलो करते करते हम घर तक आ गए। उस मैरिज में भी हमने बहुत एंजॉय किया, गुरु जी के पास बैठे रहे। तो गुरु जी हमारे क्या कर्म काट रहे होते हैं, किसमें हमें बुला रहे होते हैं, ये उनको मालूम है। फैमिली के हर इंसान को वो ब्लेस करते हैं। मेरी डॉटर की मैरिज के बाद उसकी जॉब ब्लेस की गुरु जी ने, फिर उसे घर दिया। जैसा कि मैंने बताया मेरे को भी गुरु जी ने जाते ही 3 मंथ्स में घर दिया, 13 नंबर का। ज्यादातर बोलते हैं 13 नंबर लोग नहीं लेते, जैसे चंडीगढ़ में तो 13 सेक्टर ही नहीं है, बट गुरुजी ने बोला था 13 ही 13। बाबा नानक का भी था कि सब कुछ 13 ही 13। 13 नंबर का घर गुरुजी ने खुद ब्लेस किया और बोल दिया कि ये मेरी ब्लेसिंग है, सारा कुछ ब्लेस किया। फिर गाड़ी जो ब्लेस की मारुति 800 हमने बेची तो वो भी 13 नंबर की दी। फिर मेरी डॉटर की जब मैरिज कराई वो भी 13 डेट थी, और 13 में ही गुरु जी ने मेरे को 2 ग्रैंड चिल्ड्रन दिए। और मेरी डॉटर को जो पहला घर दिया था अभी उसने चेंज किया 2 साल पहले, वो भी 13 नंबर का। तो 13 नंबर गुरु जी ने ब्लेस किया, उनको मालूम है हमारे लिए कौन सा क्या है। पर सब कुछ 13 होता रहा और ये चीज के 13 ही 13 है तो क्लियर होता है कि सब कुछ गुरुजी ने किया। 13 में जैसे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन आए, मेरे बेटे की मैरिज 2009 में हुई, मेरी डॉटर के साथ बहुत प्रॉब्लम्स रही उसके इश्यू से रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहले भी सत्संग ये शेयर किया है कि दोनों को माइनर थैलेसीमिया था तो मेजर आ जाता है बच्चे में,
तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में यही हुआ, मेजर आ गया और अबॉर्ट कराना पड़ा। उस सिचुएशन में मैं उस जगह पे आ गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, हर माँ करती होगी, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। तो मुझे लगता था कि अगर मेरी बेटी परेशान है तो मेरे जीने का क्या फायदा। लेकिन गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे जवाब दिए। मेरे पास मैसेज आया, मत कर गिला गुरुजी से, ऐसे सुख की मेहर नहीं मिलती, कुछ सहने की हिम्मत मांग लिया कर, ये हिम्मत भी कहीं और नहीं मिलती। और ये टेक्स्ट मैसेज था, उस टाइम व्हाट्सएप नहीं होता था, किस अंकल ने मुझे भेजा, कैसे मेरे को जवाब दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो आगे का था। फिर गुरुजी ने बैम्बी आंटी से मेरी फोन पे बात कराई, मैं उनको जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी, पर किसी संगत के थ्रू उन्होंने मेरे हर क्वेश्चन का जवाब दिया। मैं आज भी गुरुजी का तो थैंक्स है कि रब है, उस मीडिएटर को भेज के मेरे को उस लाइफ से निकाला, जो कि एक डेथ के ऊपर मैं आके खड़ी हो गई थी, सुसाइड कर लेती। उन्होंने मुझे एक घंटा पूरा सत्संग समझाया, हर चीज के सब अपने कर्मास हैं, उसे अपने कर्मास को काटने दो। तब उन्होंने अपने भी सत्संग शेयर किए और बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो गुरुजी ने जवाब दिया था एक शब्द के थ्रू, तभी कहते हैं बानी सुनो, बानी से ही आपको जवाब मिलते हैं। तो शब्द जो था, सतगुर सबना दा भला मनाईदा, उसमें पूरी व्याख्या है कि दो बच्चे गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम में कैसे शरीर छोड़ जाते हैं। तो आंटी ने बताया कि गुरुजी ने मुझे ये बोला कि ये सुन, ये तेरे लिए है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि शायद ये आपके लिए भी है, और ये सत्संग मैंने किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन ये आपके लिए। मुझे बिल्कुल सब चीजें क्लियर की उन्होंने, और तब अनलिमिटेड फोन्स भी नहीं होते थे, उन्होंने अपनी कॉल लगाकर पता नहीं कितना उनका बिल बना होगा, मेरे को ये सारी चीजें समझाई। मुझे लग रहा था वो मेरे से बात नहीं करेंगी, इतनी हाई फाई है, वो मेरे से क्यों बात करेंगी, लेकिन इतनी डाउन टू अर्थ हैं, उन्होंने मेरे सारे सवालों को क्लियर किया, क्योंकि जो चीजें उन्होंने क्लियर की उनके साथ वो सारी चीजें गुरुजी क्लियर कर चुके थे। पर वही का वही क्वेश्चन था कि आगे क्या होगा। मेरी डॉटर मानती नहीं थी, कहती कि बच्चे हो ऐसा तो नहीं कि यही लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे मर्डर नहीं करती रहूंगी। मैं गुरुजी से यही बोलती थी कि इतने पाप किए हैं गुरुजी, आपने एक पाप को एड ऑन क्यों करवाया, आप बच्चा नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं कभी इस चीज की डिमांड नहीं करती, लेकिन मर्डर करवा दिया। वो चीज का जवाब मुझे बैम्बी आंटी ने दिया इस शब्द के थ्रू के गुरुजी ने उनको दिया था कि उस सोल को भी फ्री किया। बट फाइनली आगे के फ्यूचर पे टाइम बीतता गया, ये सब कुछ 10 की बात है, अब डॉक्टर भी नहीं मानती थी और मैं सोचती रहती थी। फिर 2012 के मार्च अप्रैल में ही गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में बेबी बॉय दिखाया। तब तक मेरे बेटे की शादी हो गई थी, मुझे लगा इसका होगा, उसका तो अब होने का मतलब ही नहीं है, पूरी होप ही छोड़ दी थी। तो मैंने उसे फोन पे बताया तो मुझे हंसने लगी, उसने कंसीव किया हुआ था। और फोर्थ मंथ में जैसे टेस्ट होता है, तब तक फिर वही पैनिक सिचुएशन में गुरु जी से बातें करती रहती थी, जाप करती थी और क्वेश्चंस होते थे। मैं कहीं ना कहीं तसल्ली थी कि गुरु जी ने बेबी बॉय दिखाया तो इस बार ठीक होगा। फ्राइडे हमें दिया हुआ था, फ्राइडे को मंदिर गए तो गुरुजी ने यही बोला, एक आंटी को भी बोला कि मेडिटेशन में ऐसे कि उन्हें कह दे रोन दी लोड़ नहीं है, मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती है, तो मुंडा है। और फ्राइडे के को मैं दर्शन करके जब आई तो मेरी डॉक्टर की रिपोर्ट आनी थी, डॉक्टर की ईमेल आनी थी, और
जैसे उनका तो डे स्टार्ट हुआ था, टाइम लगना था, मैं सो ही नहीं रही थी। मेरी बेटी कहती है सुबह पता चल जाएगा, लेकिन एक मदर को कहां से नींद आएगी। मैं जगती रही, कंप्यूटर पे बैठी हुई, याहू मैसेंजर पे चैट करती थी, तब ऐसे मोबाइल पे तो बात भी नहीं होती थी। 2:30 बजे उसने मुझे बोला कि मम्मी गुड न्यूज है, बेबी बॉय है और सब ठीक है। तो सेम थिंग गुरु जी ने पहले ही क्लियर की, उन्होंने ही ब्लेस किया। और ये चीज गुरु जी ने बापू जी के थ्रू कहलवाई। 2009 में जब मेरे बेटे की मैरिज हुई तो हम पहले अमृतसर गए, मेरे इन लॉज अमृतसर के हैं, मेरे फादर इन लॉ बीमार थे, वो नहीं आ पाए, हम वहां गए। फिर हम जलंधर मंदिर गए, उसके बाद हम डुगरी गए, बापू जी के दर्शन कराए। तो मेरी बेटी को देख के बापू जी कहते हैं पाल अंदर बच्चे, उसने खुद ही बोल दिया कि बापू जी अभी नहीं है। तो बापू जी कहते हैं 2 मुंडे, उनके मुंह से निकलवाया गुरु जी ने, इतने बड़े वो रब के पिता हैं। चाहे गुरु जी ने बोला कि परिवार के पास उतनी वो नहीं है पावर्स, बट वो रब की फैमिली के हैं, गुरु जी खुद उनके मुंह से निकलवाते हैं। और 2013 में 2 ही लड़के हमारे घर में आए, जनवरी में मेरी डॉटर का हुआ फिर, और 31 दिसंबर 2013 में मेरे बेटे का भी बेटा हुआ। तो ये कौन कर सकता है, ये गुरु जी कर सकते हैं। गुरु जी को सब कुछ मालूम है, मेरे भक्त को क्या चाहिए, किस टाइम चाहिए। हम टाइम की वेट नहीं करते हैं, बस प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। मेरे अंकल को जैसे न्यू लाइफ दी, वो उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे लगता है शो उन्होंने 7 में की, लेकिन शायद जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने लाइफ देने के लिए ही बुलाया। 5-6 महीने बीत गए थे हमें जाते हुए, तो ऐसे ही गुरु जी ने सच कोई बात नहीं की, अंकल बात कर लेते थे, गुरु जी जवाब देते थे। जैसे अंकल ने पूछा मैं आपकी फोटो खींचू, तो गुरु जी ने कहा नहीं पहले एडमिशन होगा। फिर हम चारों के साथ जब हमने माथा टेका तो गुरुजी ने ये भी बोला एडमिशन हो गया। मींस हम गुरुजी की शरण में, सब रिमोट उनके हाथ में है, और हमने पीछे मुड़के कभी नहीं देखा। 4-5 मंथ्स के बाद जैसे हम गए, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे और अपने रूम में चले गए, जैसे ही बाहर आए 7-7:30 बजे होंगे, और अंकल को कहते हैं चल डुगरी जा। ये फर्स्ट टाइम था, हमें पता भी नहीं था, और हम तो वैसे ही बैठे किसी अंकल के साथ, वो कहा तो अकेला जा दोनों, और वो अंकल और मेरे अंकल दोनों डुगरी के लिए चल पड़े। अंकल ने बोला कि गुरु जी लंगर करके चले जाए, कहते नहीं रास्ते में नहीं, रास्ते में करना। तो अब समझ आ रही है कि लाइव तो तब भी ब्लेस करनी शुरू की थी, वहां भेज के गुरुजी जगह बदलते थे, उस टाइम पे उन्होंने लंगर तक भी नहीं रुकने दिया। और जो अंकल गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो इतने थके हुए थे कि मेरे अंकल बताते कि पूरा रास्ता ऐसा लग रहा था कि वो सोते जा रहे हैं, पर गाड़ी तो गुरुजी चला रहे थे। डुगरी भेजा, उनका क्या रीजन था वो रब जानते हैं। फिर नेक्स्ट डे आए, बट जो संगत सेवादार थे उन्होंने ये जरूर बोला कि आपकी लॉटरी खुली है, गुरु जी ने आपको बहुत ब्लेसिंग दी है। तब से उन्होंने मेरे हस्बैंड को ये लाइफ एक्सटेंशन का किया, और 7 में तो क्लियर बता दिया। वहां पर सत्संग, आज जो हम सत्संग कर रहे हैं, नहीं समझती तो गुरुजी ने फोन करके बोला कि अनु कह सत्संग करे। अब मेरे अंकल को तो पता ही नहीं था, उन्हें लगा कोई हारमोनियम बजाना है, कोई गाना गाना है, कोई भजन गाना है, और वो उनको आता नहीं था। तो बड़े परेशान के क्या सुनाऊं मैं, क्योंकि वो तो आर्ट का बनाते हैं, पेंटिंग्स करते हैं। तब गुरुजी ने साथ के साथ क्लियर किया, अनु कह जो मैं अनु देता वो सुनाना है, वो सत्संग है। बाकी सत्संगों में जो होता है भजन कीर्तन, उससे हमारे रब के सत्संग बिल्कुल अलग है, जो
हमें चीजें मिल रही हैं, हमें उनका गुणगान करना है, उनकी वडियाई करनी है, हमारे सत्संग का ये मतलब है। इसीलिए हम ये ढोलकी वोलकी बज रही हो तो मन नहीं लगता, शब्द वाणी सुन के ध्यान लगता है। तब अंकल ने वहां पे सुनाया और फर्स्ट टाइम पता चला कि सत्संग क्या होता है। उसके बाद तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी किसी को भी रैंडमली खड़ा करके बोलते थे, चल सत्संग सुना, सुनाते थे वो, तब क्लियर होना शुरू हो गया। जर्नी ऐसे ही चलती रही, फिर लंगर प्रसाद जैसे बन के आता था बड़े मंदिर से, थोड़ी सी संगत होती थी। ऐसे ही मन में आया और गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी हमें भी कोई सेवा दे दो। गुरुजी जो सेवा देते थे और चारों दिन का जो लंगर है वो सेम आंटियां ही बनाती थी, कई बार तो पता भी नहीं होता था कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा। एक आध बार एक आधे आंटी का पता चल जाता था कि इन्होंने बनाया, ये जाती है ये लंगर वाली आंटियां। तो मैंने ऐसी माथा टेका और गुरु जी को प्रे किया। तो रात को मुझे गुरु जी ने ड्रीम में, मैं कोई भी सेवा दे दो गुरु जी, चाहे वो टॉयलेट साफ करने की क्यों ना हो, ड्रीम में क्या दिखाया, बड़े मंदिर के सारे टॉयलेट्स ये सेम जगह पे थे, रेनोवेट होके चेंज होते रहते हैं, इनमें सब में गंदा शिट पड़ी हुई है। और आज्ञा ली तो गुरु जी कहते बड़े मंदिर होके आना, क्योंकि मैं वही बात अंतर्यामी की कि किस तरह से वो मन की बात को जानते हैं कि टॉयलेट ही साफ करने की दे दो गुरु जी, पर सेवा दे दो। और गुरु जी ने मंडे के लिए बोल दिया वहां पर, और तब होती संगति 5 या 10 मुश्किल से होती थी, खुद ही माली अंकल चाय प्रसाद बना लाते थे और बैठ के कहीं पे भी बैठो, पूरे मंदिर में कहीं भी घूमो। जैसे ही मैं टॉयलेट गई, सेम थिंग जो मैंने ड्रीम में देखी, तब मेरा इतना मन खराब हो गया था, बट गुरु जी से खुद मांगा था तो मैं क्लीन करके आई। तो मन की बात वो कैसे जानते हैं और किस तरह पूरी कराते हैं, तो तब भी कई बार लगता है कि हमें कुछ भी चीज मांगनी नहीं है, मांग तो हम लेते ही हैं। कहा मतलब मेरे को ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला गुरुजी ने, लेकिन जब बोल रहे होते तो मैं सुन रही होती थी, तो गुरुजी कहते थे कि जो सुन रहा होता है ना उनके वास्ते भी होता है कि मंगिया ना करो, कि पता मैं क्या केड़ी अच्छी चीज देनी है और तुसी छोटिया छोटिया मांग के मैनु छोटा कर दे दो। लेकिन हम इंसान हैं, जब परेशान होते हैं तो इसी रब से ही तो मांगेंगे, किससे मांगेंगे। मुझे मैं तो फिर गुरुजी को बोलती हूँ कि देखो गुरुजी, मांगूंगी तो मैं आपसे, आप ही सब कुछ हो, बट मेरी बात को मत सुनना, जो मेरे लिए अच्छा ना हो वो मुझे मत देना। पर ये नहीं कि मैं अगर जिद कर रही हूं तो आप मुझे वो दे दो, ऐसा नहीं करना। इतना मैं सुधरी, लेकिन मांगने से तो आज भी हम बाज नहीं आते गुरुजी, क्योंकि और कौन दिखाई देता है, अब तो कोई रिलेटिव किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं और हर चीज हम उनसे शेयर करते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने हमारे मन की जानी, कई बार हमें लगता है बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन वो छोटी होती नहीं है, वो गुरुजी खुद आते हैं। जब मेरे अंकल को गुरुजी ने भेज दिया अमेरिका 16 मार्च को, तो डॉटर ऑलरेडी वहीं थी और मैं और मेरा बेटा जाते थे एम्पायर स्टेट। हम वापिस आ रहे थे तो 11:30, 12 बजने, कॉमन सी बात थी। तो ऐसे ही मन में आया, मन में सोच रही हूँ चलते हुए, आज तो घर में ही कुछ नहीं है, सुबह मुझे 7 बजे स्कूल निकलना है। जैसे मैंने शेयर किया कि बहुत जल्दी भागना पड़ता था तो फेडअप हो जाती थी, तो इवन प्याज भी नहीं है और मेरा बेटा इतना चूसी नहीं है, वो प्याज की परौंठी भी दो तो वो खा लेता है, मतलब तंग नहीं करता। क्या गुरुजी कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊंगी सुबह, और इतनी जल्दी तो कुछ मिलेगा भी नहीं और घर में कुछ है भी नहीं। ये सोच के हम निकले और साउथ कैंपस के पास इतना अंधेरा था और वहां पे एक ये जो सब्जी वाली रेड़ी होती है वो खड़ी थी और उसके पास एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में एक बैग था। हम आगे निकले,
मैंने अपने बेटे को बोला लग रहा है सब्जी वाला है, कहते लग तो रहा है। मैंने कहा बैक कर, वहां दिन के टाइम भी कोई सब्जी वाला संगत जी नहीं हो सकता। गाड़ी बैक की और ये गुरु जी की ही मर्जी थी कि बैक के जो हमारे ग्लासेस थे गाड़ी के वो नीचे थे। तो मैंने उससे पूछा भैया प्याज है? उसने वो प्याज का थैला हमारे पीछे की सीट पर रख दिया बिना मेरे से कुछ बात किए, और एक ही थैला था बाकी रेड़ी खाली थी। क्या कितने के हैं? कहते 15 रुपए के हैं। मैंने अपना पर्स खोला, उस टाइम वो 1000 वाले या 500 के नोट होते थे वो था, और एक 10 का नोट था। तो मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसा करो, या तो 5 रुपए के प्याज निकाल लो या फिर 500 का ये खोल दो। कहते नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यूज किया या मैंने यूज किया क्या फर्क पड़ता है इसमें। मैंने कहा ऐसा क्यों, आप कोई ऐसे घूम रहे हो बांटने के लिए? तो वो हंसने लगे, कहते एक्चुअली मैं सब्जी वाला नहीं हूँ, मैं तो यहाँ किसी की वेट कर रहा हूँ, मैंने ये अपने घर के लिए लिए थे और जिसके साथ जाना था मैं यहाँ रख के खड़ा हुआ था। इमेजिन के रात को 12 बजे वो प्याज ही लेके खड़े हुए। फिर मैंने कहा नहीं पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, आपने ये रख दिए। 2-4 मिनट हमारी बात होती रही तो कहते ठीक है आप नहीं मान रहे तो आप मुझे 200 रुपए दे। तो गुरु जी मन की बात को, हमारी इतनी छोटी छोटी बातों को भी वो किस तरह खुद आके पूरी करते हैं, तो वो बड़ी हमें परेशानी दे कैसे सकते हैं। वो ये भी सॉरी इसके लिए कि दे कैसे सकते हैं, वो तो देते ही नहीं है, हमारे कर्मस देते हैं उसको वो हटाते हैं। तो वो इतनी सी चीज भी हमें सहने कैसे देंगे, ये हो ही नहीं सकता। हम टोटल उन पे सरेंडर करें। ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, आती हैं, वो हमारे कर्मों की देन है। जितनी लेवल की हमने की होती है उसको सब 90% हटा के वो हमारी सब ठीक कर देते हैं। बट इतना कुछ हम करके आ जाएं गलत कर्म नहीं कट पा रहे तो थोड़ा सा भुगतना पड़ता है। तो वो कई बार एक संगत ने बोला कि हम गुरु जी आपने दिए है आप ही संभालोगे। मैंने कहा पहले वर्ड्स वापस लो, आपने दिए है, वो किसी को देने गंदी चीज नहीं आए। हम गंदे कर्म करके अपने सिर पे डालते हैं, गंदे चीजें भुगतते हैं और वो तो हमारे कर्म काटते हैं। वो इतने प्यारे रब है, सबको प्यार करते हैं। गुरुजी ने हमेशा कहा मैं किसी को पनिश भी नहीं करता। कोई तांत्रिक आ जाए, कोई डाकू आ जाए, कि मैं उसका भी कल्याण करता हूं। तो ऐसा रब इस कलयुग में कब मिल सकता है? हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना है। एक छोटा सा सत्संग शेयर करके फिर मैं समाप्ति करूंगी, टाइम हो रहा है। मेरी डॉटर इन लॉ जैसे नहीं मतलब मानती थी, शो नहीं करती थी, इसके फेस से लगता था कि इसे विश्वास नहीं है, बट ये बोलती भी कुछ नहीं थी। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ा हुआ था। हमारे घर से अशोक विहार पास में है, वहां सत्संग था दोपहर का टाइम। मैंने कहा तुमने चलना है? कहती ठीक है। ये और मैं ऑटो पे चले गए, सत्संग अटेंड किया और वापसी में भी ऑटो ही किया, क्योंकि मैं इसे बोल रही थी ड्राइविंग सीख, तब तक इसने नहीं सीखी थी, अब ये ड्राइविंग करती है। तो इतना रश था, हमें रोड पार करनी थी और मैं नहीं कर पा रही थी। मैं ऐसे नहीं करती, मैं रिस्क नहीं लेती जब से मेरा वो ऑटो पलटा है। तो मुझे क्या, इसने मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगी कि ऐसे तो पार नहीं होगी, आप चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, जो लेके आए हैं वो लेके जाएंगे वापस। और इतनी देर में एक ऑटो वाला आके रुक गया, ऐसे मिडल एज था, 50 से 60 के बीच में, और हमने आओ ना देखा था, ये था कि हटना यहाँ से हटना है, और हम दोनों बैठ गए। मैं कहा चल रिच रिच के पास, स्कूटर स्टार्ट कर दिया और ना मीटर चलवाया ना ही हमने पैसे उनसे डिसाइड किए, और 10 मिनट में हम घर आ गए। मैंने कहा हां जी बताइए क्या सेवा करें आपकी, नाम मीटर भी नहीं चला और बात भी नहीं हुई। कहते क्या करने हैं पैसे, ये दुनिया बड़ी बेकार है, पैसे के लिए मर रही है। तो पूरे रास्ते ना ऐसी ऐसी बातें करते हुए आ रहे थे 10 मिनट तक। तो मेरी डॉटर इन लॉ थोड़ा डर भी गई,
कहते लगता है इन्होंने पी रखी, आप किस पे बैठ गए हो, कैसे बोले जा रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता, आराम से बैठ। और हमारे घर के बाहर जैसे ही ऑटो रुका, वो पैसे ले ही ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई पैसे ऊपर लेके जाने हैं। मैंने कहा आपको नहीं ले जाने तो मुझे लेके जाने हैं, मैं आपके पैसे कैसे रखूंगी, आप क्या रोड पे सेवा कर रहे हो। हमारे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए और मैं ऑटो में वापस बैठ गई कि मैं तो फिर नहीं जाऊंगी, आप पहले पैसे बताओ। कहते अच्छा आप बहुत जिद करते हो, तो जो आपका मन करता है वो दे दो। तो जो हमारे इधर से बने थे उसमें थोड़े फालतू ही डाल के मैंने उनके हाथ में रखे, बिना गिने उन्होंने अपनी जेब में रख लिए और कहते अच्छा राम राम जी। तो ये चीजें, ये हर पल का सत्संग है। एक वर्ड यही निकला था, जो लेके आए हैं वही लेके जाएंगे। तो किस तरह से, मेरी डॉटर ला बहुत हैरान हुई, कहती ये सारी चीजें आपके साथ क्यों होती हैं। मैंने कहा मेरे साथ ही नहीं, जो गुरु के साथ जुड़ा है, जिसको जरूरत है, उस हर किसी के साथ होती है। और जब इसका भी बेटा हुआ 5 ईयर्स के बाद, 13 में जैसे मैंने बताया हुआ, तब से इसकी पूरी फैमिली गुरु जी को मानने लगी है, वो सेवा पे भी जाते हैं। अब गुरु जी गुरु जी गुरु जी होते हैं, जो हमने कभी प्रेशर भी नहीं डाला, मानो मत मानो वो तुम्हारी मर्जी है, जब वो मनवाएंगे अब तभी मानोगे। तो उन पे हमने छोड़ना है, वो उनके मंदिर के बाहर से लोग वापस आ जाते हैं, नहीं जा पाते तो उनकी मर्जी नहीं होती। तो टोटल उन पे सरेंडर करें, उनका शुक्राना करें, सब कुछ वही करने वाले हैं, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। ये मैं इस चीज को बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ। तो इस रब का बहुत बहुत शुक्राना, इतना सुंदर जीवन देने का, इतने सुंदर चीजें कराने का, बहुत बहुत शुक्राना पूरी कमेटी का, सभी अंकल, कुणाल अंकल, विक्रम अंकल, जसप्रीत अंकल, राजीव अंकल, जो भी को होस्ट हैं, जो भी आश्रम कमेटी के मेंबर्स हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।